बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक बीम है जिसकी हम लोगों ने फाइंड करनी है। सबसे पहले इसके विद स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हम लोग इस बीम को करेंगे। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों एंड स्पेस के हिंज सपोर्ट्स हैं, सेंटर में इसके रोलर सपोर्ट है। सबसे पहले स्टेप हमारे पास होता है फिक्सेड मोमेंट फाइंड करना, दूसरा स्लोप डिफ्लेक्शन, तीसरा अप्लाई जॉइंट इक्वेशन और अप टू सोन। छह स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहला स्टेप है इसका फाइंडिंग फिक्सेड मोमेंट्स। फिक्सेड मोमेंट्स अगर आपके पास UDL सपोर्ट्स हैं यूनिफॉर्मली डिक्लाइन, तो आप लोग उसके लिए जो इक्वेशन यूज करेंगे वो मोमेंट इज इक्वल टू, इसके ऊपर स्लैश डाल लें ताकि आपको याद रहे कि फिक्सेड मोमेंट है, और इसकी इक्वेशन होगी प्लस माइनस पी लोड एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अगर आपके पास पॉइंट लोड है तो उसके लिए आपकी इक्वेशन होगी मोमेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस पी एल डिवाइडेड बाय 8। और अगर आपके पास सिमेट्रिकल बीम है जो कि ऊपर पहला पार्ट है सिमेट्रिकल, तो वो आपके पास मोमेंट इक्वल टू ये प्लस ए बी स्क्वेयर पी डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर, या मोमेंट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर बी पी डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर। तो ये आपके पास तीन फॉर्मूले होते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले है बीम। तो ये हमारे पास वो बीम आ गया है जिसको हमने अब एनालाइज करना है। सबसे पहले इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक। सबसे पहले इसको एनालाइज करेंगे। ये इस साइड पे रोलर है लेकिन हम लोग इसको फिक्स ही कंसिडर करते हैं क्योंकि इस तरफ भी फिक्स है। इसके बीच में लगी है 18 किप्स और यहाँ से 10 फिर 15, ये ए और ये बी। अब हम लोग आगे चलते हैं इसकी मोमेंट्स फाइंड करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया था कि सिमेट्रिकल बीम के लिए, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे जो इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इसको हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी, आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये पहला ए बी आ जाएगा, पॉइंट मोमेंट एट ए बी, जैसे मैं पहले फार्मूला पीछे बताया था, प्लस ए बी स्क्वेयर पी ओवर एल स्क्वेयर। ए आपके पास 10 है, बी आपके पास 15 का स्क्वेयर हो जाएगा, पी आपके पास लोड होगा डिवाइडेड बाय एल आपके पास लेंथ, इसकी टोटल 25 हो जाएगी। यहां से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका स्क्वेयर लेके, तो आपके पास ये 64.8 किप्स पर फीट आ जाएगा। ये आपके पास एम ए बी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप एम बी ए मोमेंट एट बी ए निकाल लेंगे, एज इट इज ए स्क्वेयर बी इंटू पी डिवाइड बाई एल स्क्वेयर वैल्यूज पुट कर देंगे, 10 का स्क्वेयर बी 15 पी 18 डिवाइडेड बाई 25 का होल स्क्वेयर। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -43.2 किप्स पर फिट आ जाएगा। अब हम बी ए के लिए ए उसी का बीम एनालाइज करने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। बी से सी तक, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास यू डी एल है जो है 2 किप्स पर फिट, यहाँ पे ये हमसे रह गया 2 किप्स पर फिट, और इसकी टोटल लेंथ है 30 फिट। तो इसको अब हम उसी तरह सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके ऊपर UDL है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि UDL के लिए हमारा क्या कौन सा फार्मूला होता है, मोमेंट एट BC इज इक्वल टू प्लस माइनस पी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो जब B से C के लिए जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव में ले रहा हूँ, तो M से BC, तो ये आपके पास B पे पॉजिटिव 12 लोड 2 लेंथ 30 स्क्वायर और ये 12। इसी तरह आप एम सी बी के लिए कर लेंगे, माइनस पी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 30, ये वाइस वर्सा ही होगा, बस इसमें सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 150 किप्स पर फिट और इसकी -150 किप्स पर फिट। अब हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट्स चारों की आ गई, एम बी ए की भी आ गई, एम ए बी की भी आ गई, एम बी सी की भी आ गई और
एम सी ए की भी आ गई, सी भी सॉरी, ये सब हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आ गए हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना। ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपने याद रखनी है, दैट इज एम ऑफ ए बी या कोई भी जो आप वैल्यू लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास उसी का मोमेंट प्लस टू ई आई डिवाइडेड बाय एल इनटू टू थीटा ऑफ ए, जो भी पहली टर्म है, उसके बाद थीटा ऑफ बी माइनस थ्री डेल्टा ओवर एल। यहाँ पे आपके पास थीटा जो है वो अगर फिक्स्ड है तो वो जीरो होगा, अगर हिंज है तो वन और अगर रोलर है तो टू, ठीक है। और डेल्टा आपके पास सपोर्ट सेटलमेंट होती है, सपोर्ट सेटलमेंट जिन इक्वेशंस में जिन क्वेश्चंस में नहीं गिवन वहां डेल्टा जीरो रहता है। तो मोमेंट एट ए बी हम लोग निकाल रहे हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करके, मोमेंट एट ए बी स्लैश, यहीं पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, मोमेंट एट ए बी हमारे पास क्या आया था 64.8 प्लस टू ई आई ओवर एल इंटू टू थीटा ए, जिस तरह मैंने बताया कि जीरो होगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, प्लस थीटा बी एज इट इज आ जाएगा माइनस थ्री, कोई सपोर्ट सेटलमेंट नहीं है तो जीरो और एल। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे 64.8 प्लस टू ई आई ओवर लेंथ 25 है ए से बी के दरमियान और थीटा बी यहाँ पे रह गया, ये दोनों जीरो जीरो होके कैंसिल हो गए। तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास 0.08 ई आई थीटा बी आ जाता है, जो कि मोमेंट एट ए बी आता है, ये आपके पास इक्वेशन वन हो गई है। अब उसी तरह हम बी ए के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, मोमेंट एट बी ए प्लस टू ई आई ओवर एल इंटू टू थीटा, यहाँ पे बी ए पहले तो ये बी आ जाएगा, प्लस थीटा ए माइनस थ्री डेल्टा ओवर एल हो जाएगा। बी ए मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, यहाँ पे बी ए मेरे पास था वो -43.2 प्लस टू ई आई ओवर एल 25 है डिस्टेंस हमारा, टू थीटा बी एज इट इज, थीटा ए फिक्स है तो ये जीरो, माइनस थ्री सपोर्ट सेटलमेंट नहीं है तो ये भी जीरो, और यहाँ हमारे पास -43.2। अब यहाँ पे टू, ये टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, ये 25 एज इट इज, ई आई थीटा भी रह गया अंदर, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे हम, -43.2 प्लस तो ये हो जाएगा 0.16 ई आई थीटा भी, इसको हम इक्वेशन टू कह देंगे। अब हम उसी तरह मोमेंट एट बी सी निकाल लेंगे, मोमेंट एट बी सी हमारे पास क्या है, मोमेंट एट बी सी हमारे पास फिक्स मोमेंट एट बी सी प्लस टू ई आई ओवर एल टू थीटा ऑफ बी प्लस थीटा सी माइनस थ्री डेल्टा ओवर एल। बी सी की वैल्यूज हम वहीं से पुट कर लेंगे, 150 प्लस टू ई आई ओवर, अब बी सी के दरमियान डिस्टेंस कितना था, बी और सी के 30 फिट था तो वो लिखिएगा, टू थीटा बी एज इट इज प्लस थीटा सी, हमारे पास फिक्स सपोर्ट थी तो वो भी जीरो, कोई सपोर्ट सेटलमेंट नहीं है तो डेल्टा भी जीरो, पर सारा जीरो हो गया। 150 प्लस ये टू और टू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फोर ई आई थीटा बी ओवर 30, और ये फिर इसको सॉल्व करेंगे 4 ओवर 30 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.133 ई आई थीटा ऑफ बी, इसको हम कह देते हैं ये मोमेंट एट बी सी है इक्वेशन 3। नाउ फॉर सी बी एज इट इज एम ऑफ सी बी प्लस टू ई आई ओवर एल इंटू टू थीटा सी प्लस थीटा ऑफ बी माइनस थ्री डेल्टा ओवर एल। तो आपके पास ये हो जाएगा, सी बी की वैल्यू आप पीछे से देख लेंगे, दैट इज -150 प्लस टू ई आई एज इट इज, लेंथ आपके पास अगेन 30 थी, टू थीटा सी आपके पास थीटा सी फिक्स सपोर्ट है तो जीरो, थीटा बी एज इट इज आ जाएगा माइनस थ्री, कोई सपोर्ट सेटलमेंट नहीं तो डेल्टा बी जीरो, और यहाँ पे अगेन आप कैलकुलेशन कर लेंगे, -150 प्लस
0.067 ई आई थीटा बी आगे इधर आ जाएगा, तो ये थीटा बी हो जाएगा और एम सी बी की ये वैल्यू और ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। सो अगेन हमारे पास ये सारे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमने चारों निकाल ली हैं और ये हमारे पास अभी दोबारा वही भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे हम लोग अपना मोमेंट रिलीज करेंगे ए बी ए और बी सी, यहाँ से जब निकलेंगी तो हमारे पास ये जो ई आई थीटा बी है ये यहाँ से निकल आएगा। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बी पे मोमेंट रिलीज की है, तो हम लोग कहते हैं एम बी ए प्लस मोमेंट एट बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो बी ए ये इक्वेशन है और बी सी ये इक्वेशन है, इन दोनों को हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया एड करके इनका सम, तो इक्वेशन माइनस 43.2 प्लस 0.16 ई आई थीटा बी प्लस 150 प्लस 0.133 ई आई थीटा बी इज इक्वल टू जीरो। इसको जो कांस्टेंट है जिनके साथ ये थीटा भी नहीं है, इनको आपस में ऐड कर लेंगे और इनको इसमें से ई आई थीटा भी निकाल लेंगे। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे तक कर दिया है और ये आपके पास 364.5 किप्स परफेक्ट आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे ई आई थीटा बी की वैल्यू। अब आप ई आई थीटा बी की वैल्यूज इक्वेशन वन में पुट कर दें, इक्वेशन टू में पुट कर दें, इक्वेशन थ्री में पुट कर दें और इक्वेशन फोर में पुट कर दें। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे एम ऑफ ए बी ये आपके पास 35.64 हो जाएगा। डायरेक्शन जो भी आपने अगर क्लॉकवाइज लिए तो वो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज लिए नेगेटिव वो जिस तरह आपने ली थी। उसके बाद ये इसका हो जाएगा -101.52। जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। तीसरे का 101.5 ठीक है और चौथे का -174.4 और जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेप फोर हो गया और अब हम स्टेप फाइव की तरफ जा रहे हैं जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशन फाइंड करना। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन जैसे आपने एसए वन में किया था उसी तरह फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने कैसे, उसी तरह एक बीम ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास जो बीम पड़ी हुई है उस क्योंकि उसी के ऊपर करनी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे हमारे पास 18 किप्स का लोड है, ये 10 फिट और ये 15 फिट। पहले ए बी के लिए फाइंड करेंगे और फिर बी ए के लिए। यहाँ पे मेरे पास ये रिएक्शन आया था ए बी के ऊपर, ये कितना आया है ये देखें, ए बी के ऊपर 35.64, तो ये मैंने यहीं पे लिख लिया प्लस 35.64। बी ए के लिए ये बी के ऊपर कितना आ रहा है मोमेंट, -101.52 ठीक है, और ये आपके पास इस तरह रोटेट कर रहे हैं। तो ये आप इधर जब करेंगे, आपने तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पढ़ी होंगी, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू जीरो जहां पे राइट की तरफ जितनी भी फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव होती हैं, समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो व्हेन ऑल द फोर्सेस अपवर्ड्स आर पॉजिटिव एंड सम ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। तो उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, समेशन ऑफ एक्स हमारे पास जीरो ही रहेगा क्योंकि सारी अपवर्ड, क्योंकि इस साइड पे कोई फोर्सेस वगैरह नहीं है तो ये जीरो ही रहेगा। समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, कौन कौन सी फोर्सेस हमारे पास अपवर्ड या डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास ए वाई हो जाएगा और ये हमारे पास बी वाई हो जाएगा। तो हमारे पास ए वाई अपवर्ड जा रही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, प्लस बी वाई भी अपवर्ड जा रही है पॉजिटिव ही रहेगी, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर से फोर्स आ रही है नीचे, तो ये के इज इक्वल टू हमने कहा था जीरो के इक्वल पुट करना है तो ये जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उधर ले जाएंगे, ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 18 के। तो पीछे हमने किया था ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 18 के, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन ए का, ठीक है इक्वेशन ए मैं इसको कह देता हूँ।
अब हमने अगली चीज जो है समेशन ऑफ मोमेंट्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, ये हमने पॉइंट ए के ऊपर जो भी फोर्सेस हैं इसको जीरो पुट करना है, कंसीडर करना है और इसके ऊपर सारी फोर्सेस निकाली। यहां से कौन कौन सी फोर्स लग जाए जब इसको जीरो कर देंगे, बी वाई अपवर्ड एक्ट कर रही है और देखें इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है मोमेंट इज इक्वल टू लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लोड जो भी इसके ऊपर एक्ट कर रहे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बी वाई इंटू 10 + 15 = 25, बी वाई इंटू 10 + 15 = 25 माइनस, अब माइनस में क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर से ये फोर्स एक्ट कर रही है तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा 18 और इसका मोमेंट आर्म कितना है 10, 18 इंटू 10 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 18 इंटू 10 हो जाएगा। फिर हम लोग जितनी भी फोर्सेस बाकी रह गई हैं, ये रह गई है प्लस में 35.64, जो मोमेंट इसके ऊपर रह गया है ए के ऊपर 35.64 वो लिख लेंगे, और फिर और क्या रह गया हमारे पास, ये रह गए 101.52, तो ये नेगेटिव में तो ये -101.52 लिख लेंगे इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने कहा था समेशन ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम ठीक है, ये हमारे पास आ गई है वी वाई की वैल्यू। अब हमने इसी को पुट दिस इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट कर देना है, ये इसमें इसमें हमने इसको पुट कर देना है, बी वाई की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए वाई प्लस वी वाई की वैल्यू 9.84 इज इक्वल टू 18 किप्स, ए वाई 18 माइनस 9.84 हो जाएगा, तो ये ए वाई की वैल्यू आ जाएगी 8.16 किप्स, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सिमिलरली बी वाई और सी वाई के लिए भी हम लोग यही कर लेंगे, इसके ऊपर है यूडीएल और ये हमारे पास 2 किप्स पर फिट है, और यहाँ पे हमारे पास बी सी हमने जो निकाली थी वो ये वैल्यू थी 101.5, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फिर सी बी के लिए जो निकाली है वो है हमारे पास -174.4, तो यहाँ पे -174.4 किप्स आ जाएगी। तो ये सिमिलरली जिस तरह पीछे किया था उसी तरह इसको भी हम लोग कर लेंगे, यहां से जितनी भी समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो टेकिंग अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, अपवर्ड जो जा रही है पॉजिटिव, बी वाई प्लस सी वाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड जो एक्ट कर रही है वो नेगेटिव 2 के कितनी लेंथ पे ऊपर है, 30 फीट के ऊपर, तो 30 फीट के ऊपर ये जीरो हो जाएगी, और इसके लिए हम लोग इसके जीरो पुट कर देंगे, बी वाई प्लस सी वाई इज इक्वल टू 60, जब ये वहां चला जाएगा। अब तीसरी इक्वेशन हमारे पास इक्विलिब्रियम की, सम ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग यहाँ पे मोमेंट्स जितने भी हैं उसका सम जीरो ले लेंगे, सी वाई इंटू 30 जो अपवर्ड एक्ट कर रही है, प्लस हमारे पास ये 101.5 आ जाएगी किप्स, -174 जो हमारे पास सी के ऊपर एक्ट कर रही है, और इससे आगे -2 ये यूडीएल की इंटू 30 इंटू इसका हाफ इज इक्वल टू जीरो, तो सी वाई जो हमारे पास कैलकुलेट होगी वो 32.43 किप्स आ जाएगी। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसी को हम लोग, इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी का, तो पुट दिस इन इक्वेशन बी, इसमें ये पुट कर लेंगे, सी वाई की वैल्यू आ जाएगी यहां से, बी वाई प्लस 32.43 इज इक्वल टू 60, तो बी वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27.5
5 7 किप्स, ठीक है। तो हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस आ चुके हैं, जो मैं आपको कहा था ये हमारा फिफ्थ स्टेप है, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करना, और इसके बाद बस लास्ट रह जाएगा SFD और BMD। तो हमारे पास सबसे पहले जो हमने निकाली थी वो किसकी निकाली थी, AY की और BY की। AY की 8.16 आ गई है, BY की हमारे पास आई है ये 27.57, और ये हमारे पास CY की आई है 32.43 किप्स।